हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेजीसी स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर एमके जैन। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, केमिकल बॉन्ड का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जिसको अब हम शॉर्ट में आगे से इसको हम एमओटी में बोलूंगा इसको। ऑल राइट, ठीक है, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पर फोकस करेंगे। अब कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं तो वेरी फर्स्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए कि व्हाई दिस। जब हम वैलेंस बॉन्ड थियरी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि हाइड्रोजन, एवरी एलिमेंट ट्राइड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाइक इनर्ट गैस, तो फिर व्हाई दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पहले हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड और प्रॉपर्टीज है जिसके लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट होगी। एंड इंट्रोड्यूस बाय हंट्स एंड बुलिकन। तो पहले देखते हैं, देखो नॉर्मली क्या होता है, एटम, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एटम कंबाइंड होते हैं। अब कंबाइंड तो एटम होते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि केमिकल प्रॉपर्टीज कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके अंदर वो कंबाइंड होते हैं, राइट, एओज, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कॉल्ड एओज। तो आगे से मैं जब भी हमारे एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होंगे उनको मैं बोलूंगा एओज। जब वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो आपका बनेगा मॉलिक्यूल, राइट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइंड यू विल गेट H2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइंड यू विल गेट O2 मॉलिक्यूल। तो एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्लियर। लेकिन कीप इन माइंड जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्लियर। और इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को मैं शॉर्ट में अब बोलूंगा एमओज। तो जो ऑर्बिटल्स एटम्स में होते हैं उनको मैं बोलूंगा एओज, और जो ऑर्बिटल आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं उनको मैं बोलूंगा एमओज। बेसिक थीम ये है इस थियरी की कि एटम्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो यू विल गेट मॉलिक्यूल, एटम कंबाइंड होते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एओस कंबाइंड होते हैं, और जब बन जाता है मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। अब पहला क्वेश्चन वहीं अपने पास में खड़ा हुआ है कि व्हाई दिस एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों। तो एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है, वीबीटी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं पहले, ओके, अकॉर्डिंग टू वीबीटी हमने नीचे लिखा है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ठीक है। वीबीटी क्या कहता था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो आपको मालूम है ये बहुत अच्छी तरह से, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2N6, तो ये इसके वैलेंस शेल में 1, 2, 3, 4, 5 and 6 है। ईच ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ओके। तो 2 इलेक्ट्रॉन वीबीटी कहता था जितने इलेक्ट्रॉन्स की आपको जरूरत है उतनी शेयरिंग कर लीजिए, 2 की जरूरत थी इन्होंने शेयरिंग कर ली, और ये आपका जो है वो मॉलिक्यूल बन गया O2, क्लियर, ये O2 बन गया, और ये जो है वो शेयरिंग हो गई इनके बीच में ऑक्सीजन और ये आपके, ये यहां पर इस ऑक्सीजन की यहां पर शेयरिंग हो गई, क्लियर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जब ये आपका O2 मॉलिक्यूल बन गया, क्लियर, तो अब आप इस पूरे को जरा सा देखिए, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ध्यान से आप देखेंगे सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पेयर्ड है, ये भी, ये सारे पेयर्ड है, कोई भी यहां पर अनपेयर्ड नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे। तो ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू वीबीटी होना चाहिए था डायमैग्नेटिक।
अब आपको मालूम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है उसकी अगर हम बात कर लें तो आप नॉर्मली, मैं अभी दो की बात करता हूं, वन इज पैरा मैग्नेटिक एंड अनादर इज डाया मैग्नेटिक। ये आपकी नॉलेज में है। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा पैरा मैग्नेटिक, जब पेड होगा डाया मैग्नेटिक। और यहां आपको ध्यान रखना है ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, ए फॉर अट्रैक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। तो हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डाया मैग्नेटिक होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू वीबीटी, बट एक्चुअली अगर देखा जाए, इसको प्रैक्टिकली देखा जाए, तो O2 इज पैरा मैग्नेटिक एंड कलर्ड। पैरा मैग्नेटिक एंड क्या बोला मैंने, कलर्ड। ये हम वीबीटी से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो फॉर टू एक्सप्लेन सच मॉलिक्यूल्स, सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है, मॉलिक्यूल है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहां पर आपके सामने मैंने बताया कि O2 VBT से VBT के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए था डाया मैग्नेटिक, लेकिन एक्चुअली O2 इज पैरा मैग्नेटिक, क्लियर, जबकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम MOT को पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया, वाई MOT, वाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अब एक बार और प्रैक्टिकली देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ये एटम ए है और ये एटम बी है आपका। जब ये दोनों मिलेंगे तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी अगर मैं देखूं तो क्या होता था कि एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया, और ये शेयरिंग इन्होंने किया और ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं यहां पर एओज, ये क्या थे, एओज आपके, ये क्या थे, एओज। अभी भी एओज आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं। मीन्स एक बहुत बड़ी बात आपने सीखी कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी आइडेंटिटी ऑफ एटम्स इज रिटेन्ड। मॉलिक्यूल बनने के बाद भी एटॉमिक ऑर्बिटल वहां पर नजर आ रहे हैं। नाउ अब हम देखते हैं एमओटी ने क्या किया। एमओटी ने बताया कि भाई एओज आपस में मिल गए, मॉलिक्यूल बन गया, बट उसने बताया कि वंस मॉलिक्यूल फॉर्म, एक बार जब मॉलिक्यूल बन जाएगा तो फिर आपको ध्यान रखना, एटम्स लूज देयर आइडेंटिटी, और तब जो ऑर्बिटल बनेंगे उनको बोलेंगे हम एमोज, क्लियर। अब एओस का, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो पहला बेसिक डिफरेंस आपको वीबीटी के कॉन्सेप्ट और एमओटी के कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाना चाहिए, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब एमओटी कैसे काम करता है, तो एमओटी को समझने के लिए हम एक इस तरह से इसको देखने की कोशिश करिए। पूरे मैं इसको ये पूरे बॉक्स में ले लेता हूं। अब इस बॉक्स में आप देखने की कोशिश करिए यहां पर, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एमओटी वर्क करता है। ये आपका एओज है, क्लियर। हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन, वन इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s1 एओज। ये भी दूसरे हाइड्रोजन का एओस, क्लियर, ये एओस है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वन इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या लिखते थे, कॉन्फ़िगरेशन 1s1, यहां भी लिखते थे, क्या करते थे, 1s1, क्लियर। लेकिन जब एओस मिलेंगे तो हमने एमओटी में क्या कहा कि एओस जब मिलेंगे तो दे लूज देयर आइडेंटिटी। अब ये जो बीच में बने हैं यहां पर, ये आपके एमोस बन गए। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, दो एओज आपस में मिले थे तो दो ही एमोज बने, एक ये ऊपर की तरफ बना है एमोज और एक ये नीचे की तरफ बना है एमोज। जो नीचे वाला, जिसकी एनर्जी कम है, केमिस्ट्री में वैसे भी आपको मालूम है कि एक फॉर्मूला केमिकल बॉन्ड में भूलना नहीं है, एनर्जी डिक्रीजेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना ही पड़ेगा पूरे सारे मॉलिक्यूल के लिए, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप सोच सकते हैं। तो
तो इसमें जिसकी एनर्जी कम हो, ये एनर्जी लिया है ना हमने इस कोऑर्डिनेट पे, तो जिसकी एनर्जी कम है इसके अंदर उसको हमने बोला है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको बोला हमने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हमने जो बताया है वो बताया है स्टार से सिग्मा, क्योंकि एसएस के मिलने से सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, तो और इसको बताया सिग्मा बी मींस बॉन्डिंग। इसकी एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ये पॉइंट आपके साथ साथ चलेंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसकी अगर एनर्जी ज्यादा थी तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी इसका कम हो गया। तो एक तरह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस की भी बात अभी यहां पर चालू हो गई, ठीक है। तो अब ध्यान से आपके इस पिक्चर को देखिए, थोड़ा सा एक बार इस पिक्चर को ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा। ये एओस था हाइड्रोजन का, ये दूसरे हाइड्रोजन का एओस था, ये मिल गए तो एमोस बन गए। एमोस दो तरह के बने, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, क्लियर। ये मोर स्टेबल है क्योंकि एनर्जी कम है, ये लेस स्टेबल है क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा है। तो एमओटी ऐसे काम करेगा, एमओटी में जब दो एटम मिलेंगे तो उनके एओस कंबाइंड होंगे, एमोस बनेंगे, और दो तरह के एमोस बनेंगे, वन इज बॉन्डिंग अनदर इज एंटी बॉन्डिंग, क्लियर। अभी और आगे जाएंगे तो और क्लियर होगा, थोड़ा सा देखते हैं। अब आप इन चीजों पे फोकस करिए तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। अभी अभी आपने देखा है कि एओस जिनकी एनर्जी सेम होती है वो आपस में मिलेंगे, मिक्सड होंगे, तो यू विल गेट एमोस। लेकिन एक बार एमओ बन गया तो एओस लूज देयर आइडेंटिटी, अब एओ का कोई एओस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि नंबर ऑफ एओस मिक्स जो हो रहे हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ एमोस। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ऊपर देखा ना हमने डायग्राम के अंदर, हाइड्रोजन का एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहा था तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। मतलब मान लीजिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक के दूसरे के दो चार मिले तो हाफ ऑफ द एमोस कौन से होंगे बॉन्डिंग एंड हाफ ऑफ द एमोस कौन से होंगे एंटी बॉन्डिंग। मतलब जितने भी आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसमें से हाफ तो होंगे बॉन्डिंग और हाफ जो होंगे वो होंगे आपके एंटी बॉन्डिंग, जैसे हाइड्रोजन में ऊपर देखा आपने, ठीक है। हाँ, अब एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद में आपको फिल करना पड़ेगा ना, तो आपने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सारे रूल अप्लाई करना, हाफ बाउ रूल आपको मालूम है, हंट्स रूल आपको मालूम है, पाउलीज, मतलब मोटे मोटे तौर पर आपको मालूम है कि अगर ये पी ऑर्बिटल है, क्लियर, तो जो आपको मालूम है उसी बात को मैं यहां पर आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको ये मालूम है कि पी ऑर्बिटल है मान लीजिए तो उसमें पी एक्स पी वाई और पी जेड होता है। अब हंट्स पाउली सब जानते हैं आपके, पहले सिंगल सिंगल जाएगा, जब सिंगल फिर हो जाएगा तो पेयर्ड होगा, पहले लोअर एनर्जी वाले में जाएगा फिर हायर में जाएगा, ठीक है। तो वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल के सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स थे उन सबको अप्लाई करना है आपको। लेकिन एक बार फिर थोड़ा सा देख लीजिए, एओस जो सेम एनर्जी के होंगे मिलेंगे तो बनेंगे एमोस, और एओज अपनी आइडेंटिटी को छोड़ देंगे, नंबर ऑफ एओज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एमोज, हाफ ऑफ द एमोज आर कॉल्ड बॉन्डिंग, हाफ ऑफ द एमोज आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन को भरना है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब इनको एक वेव थ्योरी से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आपको एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो कई बार एक आपसे पूछा जाएगा LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आप जब नोट्स को नोट कर रहे पढ़ रहे हैं तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
एक मान लीजिए यहां पर थोड़ा वेव थ्योरी से करने की कोशिश करते हैं। एटम ए, दिस इज एटम बी, इसको वेव से बताया है मैंने, क्लियर। एंड इसके वेव फंक्शन को बताने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को बताने के लिए कुछ नया नहीं कर रहे, साई ए, और इसका जो वेव फंक्शन होगा दिस इज कॉल्ड साई बी, ठीक है। तो साई ए इज द वेव फंक्शन ऑफ ए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बताता है और कुछ नहीं है वेव फंक्शन, एंड साई बी वेव फंक्शन ऑफ एटम बी, ठीक बात है। अब आप क्या देख रहे हैं यहां पर, जो मैं बताना चाह रहा हूं, एडिशन हुआ, आप देख रहे हैं ना, इसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड से प्लस हो जाएगा, तो यहां पर ये जो आपका बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा वो हमेशा एडिशन से बनेगा, जो आपने देखा था ना जिसकी एनर्जी कम है, तो साई बॉन्डिंग, ये बी स्टैंड फॉर बॉन्डिंग, इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, तो ये इनका साई ए प्लस साई बी का एम्पलीट्यूड सम हो गया। लेकिन ये तो किसकी बात की हमने, बीएमओ कैसे बनेगा, हम ये बता रहे हैं कि बीएमओ कैसे बनेगा, तो बीएमओ तब बनेगा जब क्या होगा, बोलिए, एडिशन, ठीक है। अब आप आ जाइए यहां पर इसके एबीएमओ, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एबीएमओ की। तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल सबस्ट्रेक्शन से बनेंगे। ये देखिए आपका एओस और ये बी का एओस, ठीक है, और साई ए वेव फंक्शन ओ पे कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन को बता रहा हूं, साई बी वेव फंक्शन ओ बी। लेकिन इस बार आप ध्यान देंगे यहां पर तो आपको समझ में आएगा यहां पर सब्स्ट्रेक्शन हो रहा है, क्योंकि देखिए ये प्लस की साइड है और ये कौन सी साइड है, माइनस की। तो यहां पर साई, ये जो आपका एंटी बॉन्डिंग को ए से बताया, स्टार भी लगा सकते हैं, तो साई ए माइनस साई बी। तो वेव से ये बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है जो आपको ये बहुत क्लियर कर रहा है कि एंटी बॉन्डिंग एडिशन से बनते हैं, साई ए प्लस साई बी, लेकिन जो सॉरी बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग की बात की, लेकिन एंटी बॉन्डिंग जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, सबस्ट्रेक्शन से बनते हैं। तो बॉन्डिंग जो बनेंगे वो एडिशन से बनेंगे, मैं फिर बोलता हूं, और सबस्ट्रेक्शन से कौन से बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग, जिनकी एनर्जी ज्यादा थी, स्टेबिलिटी कम थी। तो ये एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है वेव थ्योरी से, आप समझ सकते हैं, ठीक है, वेव का एडिशन और वेव का सबस्ट्रेक्शन, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मोड में लाते हैं अपने, कि इसकी एक्सप्लेनेशन इस पे कैसे करेंगे, किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए आप, साई ए और साई बी मैंने आपको पहले बता दिया, वेव फंक्शन ऑफ ए और मैंने बताया वेव फंक्शन ऑफ बी। अब अगर मैं साई, साई बताता है कि इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, लेकिन साई स्क्वायर बताता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम डेंसिटी को बताता है ऑर्बिटल में। देखो साई ये तो बताता है यहां पर कि भाई इलेक्ट्रॉन वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साई स्क्वायर बताता है वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। दोनों चीज को समझना, जैसे मैंने कहा कि अभी स्कूल में बच्चे हैं, राइट, अभी 11th क्लास के 12th क्लास के बच्चे स्कूल में है, प्रोबेबिलिटी है वहां पर वो साई है, लेकिन अभी 11th क्लास के बच्चे 11th में केमिस्ट्री के पीरियड में है, डेट इज कॉल्ड साई स्क्वायर, मैक्सिमम डेंसिटी। तो आपको शायद इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, मैंने कहा बच्चे अभी डिनर करने के लिए गए हैं कहां पर, डाइनिंग हॉल में, तो साई ए, लेकिन बच्चे बच्चे डाइनिंग हॉल नंबर ए में अपनी टेबल पर डिनर कर रहे हैं, वो है साई स्क्वायर, ठीक है। तो बॉन्डिंग के लिए दो फॉर्मूले यहां पर बड़े प्यारे से हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो साई बॉन्डिंग को अगर कभी एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो ये सब एडिशन था, साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो मैथमेटिक्स आप जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस साई ए साई बी, ये बॉन्डिंग के लिए हो गया, इस फॉर्मूले को मत भूलिएगा। लेकिन अगर साई एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो सब्स्ट्रेक्शन से होता है, साई ए माइनस साई बी, ओके, तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस साई ए साई बी। तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ वेव, ये हो गया आपका सबस्ट्रेक्शन ऑफ वेव। सो दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन द एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अब एग्जाम्पल्स को देखना पड़ेगा, चलो देखते हैं एग्जाम्पल को अच्छी तरह से, दोनों एग्जाम्पल को देखते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि
इससे कैसे आप इनको समझा सकते हो। ठीक है, तो हम पहला लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन लेते हैं, एच टू मोलिक्यूल। ठीक है, इसका हम फॉर्मेशन लेते हैं। तो डेफिनेटली ये हाइड्रोजन का एओज है, ये हाइड्रोजन का एओज है, एस वन एस वन और वन एस वन यहाँ पर मिल रहा है, तो डेफिनेटली साई बॉन्डिंग, साई एंटी बॉन्डिंग, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, दो मिल रहे थे तो दो एमओज बन गए। अब इसमें भी वन इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी वन इलेक्ट्रॉन था, अबव प्रिंसिपल, पहले आपका लोअर एनर्जी लेवल फिल होगा तो दोनों यहीं आ गए और ये एम्प्टी है। क्लियर, अब इनके पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर तो पहला है बीएमओ, इट डज नॉट हैव नोडल प्लेन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बीएमओ इट डज नॉट हैव नोड, आप देख रहे हैं ना बीएमओ सारा, ये देखिए आप अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा इसके अंदर न्यूक्लियस के बीचों बीच में होगा, यहां पर कोई नोडल प्लेन नहीं होगा। नोडल प्लेन वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, लेकिन ये भी इट ऑलवेज हैव नोडल प्लेन बिटवीन टू न्यूक्लियाई, ये देखिए दो न्यूक्लियाई के बीच में ये नोडल प्लेन है, वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी। ये पॉइंट को समझिए, बीएमओ इट डज नॉट हैव नोडल, ये बन गया, अब कोई इसके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके बीच में कोई गैप नहीं है। लेकिन एबीएमओ दो जो एटम थे उनके बीच में मॉलिक्यूलर बनने के बाद भी गैप है, दिस इज कॉल्ड नोडल प्लेन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नाउ सेकेंड पॉइंट की तरफ जाते हैं, बीएमओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम बिटवीन द टू न्यूक्लियर, बताया अभी अभी बताया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम बिटवीन यहां पर है, ये देख रहे हैं ना आप, ये यहां पर है, ये मैक्सिमम है जो मैंने डार्क किया, ये मैक्सिमम है यहां पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें देखेंगे अवे बिटवीन द टू न्यूक्लियर, मतलब ये जो जगह आप देख रहे हो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है बल्कि अवे इस तरफ है और इस तरफ है। क्लियर, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने, एक बार कलेक्टिवली देखते हैं, बीएमओ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ इज डेफिनेटली, बीएमओ में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेबल होंगे क्योंकि नियर टू न्यूक्लियस और एनर्जी कम है, लेकिन एबीएमओ में जो इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करेंगे एंटी बॉन्डिंग, और ये एक बहुत प्यारी चीज है, इसको मत भूलना नहीं तो इसमें दिक्कत आएगी। जब एस एस ऑर्बिटल मिलेंगे तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग तो बनेगा ही, अगर एक सिग्मा बनेगा तो एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, लेकिन पी में तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जे, डी की यहां पर बात करेंगे ही नहीं हम, फॉरगेट अबाउट डी, डी की हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी में बात नहीं करेंगे अभी। तो पी एक्स पी एक्स, हालांकि पी एक्स पी वाई और पी जेड एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, सब आपके डीजनरेट होते हैं, इसलिए एक्स एक्स मिलेगा तो पाई बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग हमारे इजीनेस के लिए, वाई वाई मिलेगा तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, लेकिन जेड जेड मिलेगा तो सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। क्लियर, ये हमारी इजीनेस के लिए हमने किया है, अदरवाइज कीप इन माइंड पी एक्स पी वाई और पी जेड तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती, तो आज के बाद जैसे हाइड्रोजन में एस और एस मिला तो हमने बताया आपके सिग्मा बॉन्डिंग बना, लेकिन पी में पी एक्स पी वाई पी जेड होते तो पी एक्स पी एक्स पाई, पी वाई पाई और पी जेड सिग्मा, लेकिन जहां सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा वहां सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। यहां तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप फिर इसको सुनिए ऑनलाइन में, किसी भी वीडियो में समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसको दो बार सुन लीजिए और थोड़ा पोज करके सोच लीजिए, कॉपी पेन पास में रखिए, नोट करते जाइए तो जल्दी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझ के देखते हैं, एसएस तो हमने बता दिया, अब हम बात करते हैं पीपी, पीपी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये देखते हैं, एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से जब एक्सिस पर मिलेगा, ये आप क्या देख रहे हैं, ये एक्सिस है इसकी, एक्सिस पर मिल रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये एक्सिस पर मिल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग। तो कीप इन माइंड हमेशा आपके यहां पर जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो एडिशन से तो बनता है आपका बीएमओ, बात क्लियर है, इसमें तो कुछ नहीं सोचना, और जो आपका सबसेक्शन है उससे बनेगा एबीएमओ, लेकिन बीएमओ में इलेक्ट्रॉन काउंट बिटवीन द न्यूक्लियस और एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन क्लाउड
अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, देख रहे हैं आप ये, तो ये सिग्मा आपके बना बॉन्डिंग, ये सिग्मा बना आपके एंटी बॉन्डिंग। अब पी एक्स भी हो सकता था, पी वाई भी हो सकता था, पी जेड भी हो सकता था, लेकिन वो एक्सिस पर मिलने चाहिए। हमने पहले करते समय पी जेड सिग्मा लिख दिया था, पर पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी एक्स से मिल रहा है, या पी वाई से मिल रहा है, या पी जेड से मिल रहा है, कहीं भी एक सिग्मा और दो पाई बनेंगे, ठीक है, ये बात आप दिमाग में रखिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि यहां पर पाई कैसे बना। अभी तो सिग्मा बन गया एक्सियल ओवरलैपिंग, लेकिन पाई के लिए आप यहां देखिए, ध्यान से देखिए, पाई के लिए यहां पर आपके पास में जो आप पाई को देख रहे हैं, तो ये इसकी एक्सिस है, देखिए आप, ये जो है वो इसकी एक्सिस है, क्लियर। तो पाई के लिए जब हम बात करेंगे तो ये एक्सिस है इसकी, और ये इस ऑर्बिटल की एक्सिस है यहां पर, लेकिन एक्सिस पे नहीं मिल रहे हैं, ये जो मिल रहे हैं वो पैरेलल टू एक्सिस मिल रहे हैं, देखिए पैरेलल टू एक्सिस मिल रहे हैं, इनके ऊपर या नीचे मिल रहे हैं, क्लियर। तो यहां पर पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड जो बनेगा ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग, यह हमको लिख देना चाहिए, वहां एक्सियल था और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा साइड वाइज ओवरलैपिंग, वहां था कौन सा बोलिए, एक्सियल, और यहां है साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब इसमें भी एडिशन होगा और सब्सट्रैक्शन होगा, तो बहुत बहुत क्लियर सी बात है, एडिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द न्यूक्लियस, देखिए ऊपर और नीचे हो गया, ठीक है, और अगर सब्सट्रैक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, देखिए आप ये बीच में नोडल प्लेन आ गया, ठीक है, यहाँ कोई नोडल प्लेन नहीं है, यहाँ नोडल प्लेन है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस नोडल प्लेन के ऊपर और नीचे, यहाँ पर अवे फ्रॉम द, या बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबाउ एंड बिलो द नोडल प्लेन, यहाँ बोल सकता हूँ अवे फ्रॉम द, सब तरफ से अवे है। तो ये पाई एंटी बॉन्डिंग बना और ये पाई आपके बॉन्डिंग बना, ठीक है, बराबर, क्लियर। आपने अगर पी वाई को मिलाया है तो बोलना पड़ेगा पाई पी वाई बॉन्डिंग, या बी लगा सकते हैं या बी लगाना ही चाहिए आपको, और अगर ये एंटीबॉन्डिंग है तो स्टार लगा के आपने पी वाई कर दिया है, ठीक है। तो अब आप कई जगह पर आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन लोब का मतलब है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि कैसे सिग्मा बनेगा और कैसे पाई बनेगा, तो सिग्मा पी में कैसे, एस में बता दिया पहले हमने, एस में तो हमेशा सिग्मा ही बनेगा, फिर P की बात जब कर रहे थे हम तो P में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग पे, लेकिन वही बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों बन सकता है, और पाई में आपका जो बनेगा वो आपके साइड वाइज या कोलेट्रल ओवरलैपिंग से, इसमें भी पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग बन सकता है, ठीक है। चलिए अब हम इसके ऊपर एक एप्लीकेशन की बात देखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है यहां पर बॉन्ड ऑर्डर। यहां से आईआईटीजी मेडिकल में सब जगह प्रॉब्लम्स आती है, ये ध्यान रखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर में, इसकी बॉन्ड ऑर्डर का हम एक और वीडियो आपको अलग से देंगे जिसमें आप आईआईटीजी और मेडिकल की प्रॉब्लम को देख सकते हैं, हमेशा आई है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एन हाइड्रोजन, तो कीप इन माइंड इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज वन। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एन ऑक्सीजन, कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं, टू, तो इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज टू। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो बॉन्ड ऑर्डर इज थ्री। इट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नथिंग, इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मोलिक्यूल। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है यहां पर, हाफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ, वो आप डायग्राम से बना लेंगे, एनबी स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनबी बॉन्डिंग एंड एनए रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा हो गए तभी मॉलिक्यूल बनेगा, अदरवाइज अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स कम है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। इस बात को फिर एक बार बोलते हैं, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स
अगर नंबर ऑफ एंटीबॉन्डिंग से ज्यादा है तब ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कोई, अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है या बराबर है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, फॉर्मूला नंबर वन। फॉर्मूला नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। तो इसको भी समझने के लिए आपको इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। अगर मुझे H2O2 और N2 दिया है तो आप क्या देख रहे हैं, यहां से यहां तक जाने पर 1, 2, 3 बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी बोलिए, इंक्रीज होगी। और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी मतलब तोड़ने डिसोसिएशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। क्लियर? तो हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ज्यादा स्टेबल नाइट्रोजन है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन आते हैं, उनको हमको अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सबसे पावरफुल क्वेश्चंस को एग्जाम्पल को देखते हैं जो आपसे आपसे पूछा जाएगा अपने बोर्ड एग्जाम में, और इसी के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो दो मॉलिक्यूल लेते हैं, एक लेते हैं N2, एक लेते हैं O2। तो आपको ध्यान रखिए, N2 ले रहे, एक तरफ हम O2, F2, Ne2 कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन तक तो हम ऐसे डायग्राम को देखेंगे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के लिए आगे के लिए ये डायग्राम को हम देखेंगे। नॉर्मली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को हम 20 तक अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन जिनमें मॉलिक्यूल में 20 इलेक्ट्रॉन तक हो वहीं तक जाएंगे, उससे आगे ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करेंगे, हायर थ्योरी पे हम नहीं जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, एक मॉलिक्यूल बना दिया, उसमें आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। जैसे H2 बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन है, चलेगा, MOT लगाएंगे। ठीक है, HE2 4 इलेक्ट्रॉन से लगाएंगे। Ne2 नियोन में 10 होता है, दूसरे नियोन में 10 है, 20 पर हम लगाएंगे, 20 हमारी लिमिट है, उसके आगे नहीं जाएंगे। तो एक एक हम देखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का पहले हम देखते हैं, दोनों को साथ चालू करते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। इस तरफ मैंने नाइट्रोजन लिया है और इस तरफ मैंने बाकी को लिए आगे वाले। ठीक है, देखिए 14 तक यहां लिया है, 14 से आगे वहां लिया है, देखते देखते एक बार, चलो पहले यहां से चालू करते हैं। आपको सबसे पहले आना चाहिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और कॉन्फिगरेशन होता है आपका 1s2, 2s2, 2p3। ये तो आप नहीं भूलेंगे, ओके। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2, 2s2, 2p4। ये आपके ध्यान में। अब सबसे पहले इसका 1s और इसका इस क्योंकि यहां भी क्या है, पूरा नाइट्रोजन का ये AOs है, और यहां भी ये इस तरफ जो चल रहे हैं ये नाइट्रोजन के AOs है, इधर भी नाइट्रोजन है। ये डायग्राम ऑक्सीजन के लिए था, तो इधर ऑक्सीजन चल रहा है। ठीक है, अब नाइट्रोजन का सबसे पहला 1s, एक नाइट्रोजन का 1s आया, इधर से दूसरे, इधर से जो नाइट्रोजन का दूसरा है उसका 1s आया, मालूम है इनको AOs बोलेंगे। 1s 1s मिलेगा तो सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। चलो 1s का काम खत्म हुआ, अब कौन है बोलो, 2s, अब 2s आ गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी ऐसे, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, यहां भी 1s में कितने थे, 2, बस। तो कैपेसिटी आप बहु प्रिंसिपल से 1 orbital 2 ये फिल कर दिया आपने, बराबर। चलिए अब 2s में भी कितने थे, 2 नजर आ रहा है आपको इस नाइट्रोजन में, इधर भी नाइट्रोजन में ऐसा ही होगा। फिर सिग्मा नाइट्रो SS के मिलने से ऑलवेज सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। यहां तक ऑक्सीजन में भी कोई चेंज नहीं है, ऑक्सीजन का भी क्या आएगा बोलो, 1s, ये इधर का ऑक्सीजन का आया 1s, ये दूसरा ऑक्सीजन का आया 1s, दोनों मिल गए तो 2 molecular orbital सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। फिर 2s में भी आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर वाले में भी 2 आएंगे,
तो पहले सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ऑल राइट, यहां तक आ गया, ओके। अब असली जो चेन चालू होगा वो यहां के बाद चालू होगा। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इधर है, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इधर है, इनके ऑर्बिटल्स को मिला रहे हैं। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इधर है, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। पहले 1s था तो 1s 1s को मिलाया, फिर 2s था तो 2s 2s को मिलाया। अब यहां से चेन चालू होगा। ये डायग्राम नाइट्रोजन तक है, ये नाइट्रोजन के आगे वाला, देखते अब क्या चेन चालू होता है। अब मेन यहां फोकस करिए आप, अब यहां फोकस करिए। नाइट्रोजन में आपको मालूम था क्या था, 2p3 लास्ट में क्या था, भूलना नहीं है, 1s2 7 था ना, 2s2 2p3। और ऑक्सीजन में यहां पर क्या था, 8 एटॉमिक नंबर था, तो चीजें साथ में चलनी चाहिए, 1s2 2s2 2p4। ये आपका आया 2p, तो क्या था, हंस के रूल के अकॉर्डिंग 2px1 2py1 एंड 2pz1, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था। ऐसा ही इधर वाले नाइट्रोजन में भी होगा भाई, 1 2 3। लेकिन यहां पी में 4 था तो कैसे होगा बोलिए, 1 2 3 पेयर्ड होगा, 1 2 3 और एक पेयर्ड होगा, ठीक है। अब यहीं पर चेंज आता है, अगर नाइट्रोजन वाले को हम बोलेंगे लो एनर्जी, ठीक है, नाइट्रोजन वाला, ओके, ये अपने को देखना है। नाइट्रोजन को हमको पहले देखना है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में फर्क यहीं पर पड़ता है। नाइट्रोजन तक के डायग्राम में क्या होगा देखिए, क्योंकि आपको मालूम है कि यहां पर तीन ऑर्बिटल है, px py और pz। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि px px बनेगा तो पाई, py py बनेगा तो पाई, लेकिन पाई बॉन्डिंग भी बनेगा और पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग भी और पाई एंटी बॉन्डिंग, और pz से बनेगा सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्डिंग भी बनेगा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो आपको मालूम है 6 ऑर्बिटल बनने, तो फर्क यहीं पर है। देखिए नाइट्रोजन के डायग्राम में नीचे तो भाई एनर्जी जिनकी कम है वो तो बॉन्डिंग है, और एनर्जी जिनकी ज्यादा है वो एंटी बॉन्डिंग है, क्लियर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहीं पर फर्क है, ऊपर कोई फर्क नहीं होगा। हायर एनर्जी एबीएमओ में, एबीएमओ में कोई फर्क नहीं है। जो फर्क है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के डायग्राम में बीएमओ में, तो बीएमओ के अंदर नाइट्रोजन में पहले पाई बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है दोनों, और फिर यहां आपके सिग्मा बॉन्डिंग आएगा। लेकिन ऊपर तो वैसे के वैसे ही, पहले पाई एंटी, देख रहे ना, पाई बॉन्डिंग और ये पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, यहां भी कोई ऊपर एंटी बॉन्डिंग में फर्क नहीं है, लेकिन यहां सिग्मा बॉन्डिंग पहले और पाई बॉन्डिंग बाद में, ये एनर्जी का गेप है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा इसलिए होता है, कीप इन माइंड कि नाइट्रोजन की एनर्जी कम होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाइट्रोजन की एनर्जी जो है वो कम होती है, हाफ फील्ड है, ज्यादा स्टेबल है। तो यहां क्या होता है कि ये ज्यादा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में आ जाते हैं बॉन्डिंग वाले, इसलिए दो पहले बन गए और ये बाद में बना। तो यहां हम कई बार रटना तो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम बताते हैं 2 1 2 1, लेकिन ऑक्सीजन वाले में भूले नहीं, तो 1 2 2 1, इसलिए हमको ध्यान रहता है कि पहले हमको यहां दो बनाने हैं, क्योंकि ये तो बात है पहले बॉन्डिंग बनेंगे बाद में एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन यहां पहले पाई वाले, तो 2 1 2 1 और यहां 1 2 2 1, तो ऑक्सीजन और उसके आगे वाले डायग्राम में फॉर्मूला क्या लगा अपनाना, 1 2 2 1, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। 1 क्या, पहले सिग्मा, फिर पाई पाई बॉन्डिंग बॉन्डिंग, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग, एंड 2 2 का पाई बॉन्डिंग फिर सिग्मा बॉन्डिंग, और फिर पाई बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। और फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए नाइट्रोजन सारा के सारा डायमैग्नेटिक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। लेकिन ऑक्सीजन के अंदर देखते हैं कितने, 4n 4 8 है, 4 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 n 8। अब आपको समझ में आ गया होगा कि why O2 is paramagnetic, क्योंकि it has 2 unpaired electron, और 2 unpaired electron है इसके अंदर, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है।
बहुत अच्छी तरह से ये समझना है, दो बार इसको देखिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? ये N2 और ऑक्सीजन का, इसको हम जब बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे तो और भी वीडियो देखिए, लेकिन कम से कम यहां पर ध्यान से देखिए। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैसे लिखेंगे नाइट्रोजन का, तो पहले क्या था, जैसे आप पहले लिखते थे ना 1a अबव प्रिंसिपल 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4a 5d 6p 7s, मैं हर बच्चे से कहता हूं उसको ये आना ही चाहिए। उसी तरह से मैं यहां भी कहता हूं कि MOT के अंदर जब कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो सिग्मा बॉन्डिंग एनर्जी लेवल, ये सारा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एनर्जी लेवल, ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है। देखिए यहां से सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, तो बाद में क्या आया था सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, यहां तक तो सेम है बिल्कुल। लेकिन उसके बाद यहां पाई आया था, पाई बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2py, लेकिन यहां क्या आया था सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, फिर आया था पाई 2p पाई बॉन्डिंग 2px पाई बॉन्डिंग 2py, और यहां सिग्मा बॉन्डिंग, बस यही तो चेंज आया था, इतनी ही जगह तो चेंज आया था नाइट्रोजन वाले डायग्राम तक और ऑक्सीजन में उसके आगे चलेंगे। ऑक्सीजन और उसके आगे के लिए ये वाला डायग्राम है, ये चेंज है। बाद में तो ठीक था पाई, बाद में तो सब ऐसा ही था, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू, बराबर था ना एनर्जी, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, यहां भी वो के वही रहेगा। ठीक है, ये सारा आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग 1s उससे ज्यादा एनर्जी, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s यही लिखा है यहाँ पर, सिग्मा बॉन्डिंग 2s मोर एनर्जी, इससे ज्यादा एनर्जी किसकी, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर पाई बॉन्डिंग 2px पाई बॉन्डिंग इज इक्वल टू पाई 2py, फिर इसकी ज्यादा एनर्जी मोर देन किस, इससे लेस देन किससे बोलिए, सिग्मा बॉन्डिंग 2p जेड, फिर एनर्जी इसकी कम है और इनकी ज्यादा है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py लेस देन पाई सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, ये दोनों में डिफरेंस है। और मैं फिर कहूंगा इस जगह पर डिफरेंस है, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, ज्यादा स्टेबल है, तो उसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होंगे। एक्चुअली बनता तो ऐसा ही है, पर दोनों के बीच में रिपल्सन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये जो पाई वाला है वो स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा नीचे आ जाता है क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना, बोर्ड में ये क्वेश्चन आता ही है, इलेवेंथ में भी, आगे आप जाओगे तब भी ये डायग्राम काम में आएगा। ड्रो द मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ड्रो द मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब स्पेशल केस है, देखिए स्पेशल केस क्या है, CO स्पेशल केस, हेट्रोएटॉमिक CO, CO प्लस CO, तो इलेक्ट्रॉनिक ये ओके। तो देखिए फॉर CO, CO प्लस CO माय अबव कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड व्हेन 2s एंड 2p मिक्स्ड, ऑल राइट, मिक्सिंग नॉट ऑपरेटिव। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पर ध्यान से देखिए, आप सबसे पहले तो इस सीक्वेंस पे आइए, क्या था अपना सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ठीक है, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, यहां तक तो कोई चेंज होता ही नहीं, सिग्मा 2s बॉन्डिंग पाई ओके सिग्मा 2s बॉन्डिंग। अब आप देखिए क्या बोलने चाह रहे हैं, ये स्पेशल केस है, इनके लिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, 4CO CO प्लस एंड CO माइनस अबव कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड, ऑल राइट, व्हेन 2s 2p मिक्सिंग नॉट ऑपरेटिंग, मतलब 2s और 2p के बीच मिक्सिंग नहीं हो, ठीक है, बराबर। लेकिन इन और भी स्पेशल केस, इन CO CO प्लस के लिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशन लेना पड़ेगा, 2s फिर पाई बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2py, ठीक है, इज लेस देन सिग्मा, इज लेस देन यहां पर आपके आएगा सिग्मा बॉन्डिंग 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, और बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
एक यहां पर बीच में आप ध्यान रखिएगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2s के बाद में यहां आना चाहिए था आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। मतलब ये कौन सा वाला डायग्राम हुआ? ये नाइट्रोजन वाला हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन में पहले पाई आता था और बाद में सिग्मा आता था। ठीक है, तो हम आपसे बोल रहे हैं कि इन तीनों में CO, CO प्लस और CO माइनस में आप कौन सा वाला लगाएंगे? ऑक्सीजन वाला जो आपका डायग्राम था उसको आप यहां पर लगाएंगे। ठीक है, बराबर। अगर आपको सब ये आता है तो आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, एक ट्राई करते हैं। जैसे CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो C में कितने इलेक्ट्रॉन, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपसे पूछा इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ऑक्सीजन में कितना 8 है, टोटल कितना हो गया 14। ठीक है, तो क्या करेंगे, 14 है ना, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, राइट, कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s कितना आ जाएगा बोलिए 2, फिर आ जाएगा सिग्मा बॉन्डिंग 2s कितना आ जाएगा 2, फिर सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आएगा 2s कितना आ जाएगा 2, कितने इलेक्ट्रॉन आपने कर दिए 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8। अब आपको जो आगे करना है, पाई बॉन्डिंग क्या था 2py, ठीक है, बराबर, और क्या था यहां पर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, यही था आपके पास में, आपने देखा था ये, आप देखिए पाई 2px और पाई 2py। तो 8, 9, 10, 11, 12, तो 2N2, ठीक है, और फिर इसके बाद में है सिग्मा बॉन्डिंग 2PZ, इसमें भी यहां पर आ जाएगा 2, तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब CO जो मॉलिक्यूल है वो आपका सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, क्लियर, ऐसे आपको करना है। और हम लेके देखते हैं HE2, 1 हीलियम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हीलियम मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। आप कॉन्फ़िगरेशन बोलिए, पहला कौन सा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, इससे ज्यादा क्या है बोलिए, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितना होता है 2N2, बस खत्म। तो आपका ये क्या हो गया, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब कोई बोलता है इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखिए, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ किसका बोलिए, HE2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, तो कितना है यहां पर 2, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, कितना हो गया बोलिए 2, क्लियर, डिवाइडेड बाय 2, क्लियर, क्योंकि अभी अभी आपने देखा था यहां पर, आपको ध्यान होगा, आप पीछे जाके देखिए थोड़ा सा, आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालने का आपको फॉर्मूला हमने बताया था, देखिए जरा सा ध्यान से देखिए, बॉन्ड ऑर्डर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO, यही देखा था आपने। तो हीलियम को देखते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO, आपको कितना नजर आया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO यहां पर 2 था, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO यहां पर कितना था बोलिए 2 था, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया बोलिए 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 एंड हाफ करेंगे, तो यहां पर जो आपका जो 0 को किससे भी डिवाइड करेंगे तो आपका 0 है, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर हीलियम का कितना आएगा बोलिए 0, एंड कीप इन माइंड हीलियम मॉलिक्यूल, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसलिए हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल, क्लियर, ऐसे किसी को भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल नियोन बनेगा या नहीं बनेगा आपसे पूछा है, अब आप कहेंगे कैसे बनेगा Ne2, ये तो आपका इनर्ट गैस है, तो एक नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितना हो गया बोलिए 20,
ठीक है, बस अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके और आप जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वो जीरो आएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की हम आपको और भी ट्रिक देंगे। हम मैंने आपसे पहले ही कहा है बॉन्ड ऑर्डर के लिए अलग से हम एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का एक सेक्शन लेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा है नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, ठीक है, हम तो आपको ट्रिक दे देंगे, लेकिन एक बार के लिए आपका कॉन्फिगरेशन तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन में 7 होता है, तो 7 + 7 कितना हो गया 14। तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसमें ही फिल करते हैं 2 2 4 5 6, और हमने कहा था ना एक यहां पर आपको लिखना है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s 8, फिर आपका 9, ये इनकी एनर्जी सेम है, तो 9 10 11 एंड 12, ठीक है, फिर आपके 13 एंड 14। अब आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालना था, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ, तो काउंट करते हैं बीएमओ में इलेक्ट्रॉन को, काउंट करते हैं सारे इलेक्ट्रॉन को, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। माइनस एबीएमओ में, तो एबीएमओ का ये स्टार जहां लग रहा है कितना हो गया 2, और बाकी तो कुछ है नहीं है यहां पर, देखिए और क्या है 2 और एबीएमओ, ये रहा यहां पर है 2, कितना हो गया बोलिए 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपका हाफ मल्टीप्लाई विथ कितना हो गया ये बोलिए यहां पर, ये आपका 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 10 माइनस 4 तो कितना हो गया 6 6 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया बोलिए 3, तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया आपके 6 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो आपकी भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल लीजिए यहां पर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, इसी को डायरेक्ट कर लीजिए, हाफ इंटू ये मत करिए, 10 माइनस 4 6 बाय 2, ठीक है, तो ये आपका हो गया बॉन्ड ऑर्डर कितना 3, ऑलराइट। हाफ भी लगाने की आपको जरूरत नहीं है, हम फॉर्मूले में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने जो फॉर्मूला बताया था देखिए यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ डिवाइड बाय 2, या फिर हाफ कर लीजिए, ठीक है, एक ही बात है, राइट। हमने नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, किसी भी मॉलिक्यूल का एक बार और निकाल के देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा गया है आप निकालिए N2+ का, तो नाइट्रोजन कंटेन 7 + 7 कितना हो गया 14, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आता है जब आप इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, -1 = 13। अब आपको 13 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो 2 2 4 5 6, यहां पर एक हम लिखना भूल गए थे इसलिए सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s 8 हो गया, फिर 9 10 11 अबव प्रिंसिपल 12 एंड 13, क्लियर, क्योंकि इससे 13 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2+ इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ कितना हो गया बोलिए 2 2 4 5 6 7 8 एन 1 9, माइनस एबीएमओ 2 2 4, तो ये हो गया आपके 5 बाय 2, मतलब N2+ का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना हो गया 2.5। 2.5 का मतलब है कि दो बॉन्ड तो ऐसे हैं जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक बॉन्ड ऐसा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो आई थिंक फॉर्मूले से तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ध्यान से देखिए, एक दो जगह एक वो फॉर्मूले को ध्यान रखिए, बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले को मैं फिर बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाते समय एक जगह इसमें भी डिवाइड बाय 2 कर दिया था, वो आगे हाफ लगा हुआ है तो इसको डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है, एक तो ये ध्यान रखिए आप, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला जो है आपके सामने उसको ध्यान रखिए, जैसे आपने कहा Hg2 का निकालिए, मैंने एक एग्जांपल इसको वापस कर देता हूं मैं, क्योंकि
वो जो फॉर्मूला था उसमें टू डबल बार लग गया था। तो ये आपका जो है वो फोर है, तो आपको आना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बीम फोर है, तो कहाँ था टू यहां पर और टू यहां पर, तो टू बॉन्डिंग में थे, टू एंटी बॉन्डिंग में थे, इसलिए जीरो मल्टीप्लाई विथ हाफ इज इक्वल टू जीरो, इसलिए एच ई टू मोलिक्यूल नहीं बनेगा। क्लियर? तो प्लीज इस बॉन्ड इसको मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी को बहुत अच्छी तरह से देखिए। आईआईटीजी और मेडिकल में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और मैं इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम अलग से करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस देन शेयर इट। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।